सुनहरी गाय को बीच में से काट देता है। लेकिन मछुआरा यह देखकर हैरान हो जाता है कि उस सुनहरी गाय के पेट में एक जादुई मणि रखी है। तभी इतने में वहाँ चुड़ैल आ जाती है। बहुत समय पहले पानी के नीचे एक इच्छाधारी जलपरी अपनी गुफा में रहा करती थी। इच्छाधारी जलपरी गर्भवती थी और जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। जलपरी के पास एक जादुई मणि थी। वह मणि बहुत ही चमत्कारी थी। उस मणि के अंदर अद्भुत शक्तियाँ थी। वह मणि जलपरी को जलपरी लोक के राजा नियुक्ति थी। वह इच्छाधारी जलपरी उस मणि का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। उस इच्छाधारी जलपरी के पास एक सुनहरी गाय थी। वह सुनहरी गाय जलपरी की एक अच्छी सहेली थी। सुनहरी गाय जलपरी लोक में रहकर जलपरी के कामों में उसकी मदद किया करती थी और उसकी जादुई मणि की रक्षा भी किया करती थी। वहीं पास में ही उस नदी में एक भूखी और लालची चुड़ैल भी रहा करती थी। वह चुड़ैल बहुत गरीब थी। वह चुड़ैल हर रोज नदी में अपना शिकार तलाश किया करती थी और नदी की मछलियां को खाकर अपना पेट भर लिया करती थी। एक दिन जलपरी की वह सुनहरी गाय नदी के नीचे खाना ढूंढ रही थी। वहीं वह लालची चुड़ैल भी नदी में अपना शिकार तलाश कर रही थी। तभी उस चुड़ैल की नजर उस सुनहरी गाय पर पड़ती है। सुनहरी गाय को देखकर चुड़ैल हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ऐसी अद्भुत सुनहरी गाय तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। और यह सुनहरी गाय यहाँ पानी के नीचे क्या कर रही है? लगता है यह कोई जादुई गाय है। अवश्य ही इस जादुई गाय के अंदर बहुत शक्तियाँ होंगी। इस सुनहरी गाय को खाकर तो मैं फिर से जवान और शक्तिशाली हो जाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल सुनहरी गाय का पीछा करती है। सुनहरी गाय अपने गुफा में आ जाती है। वहीं उस गाय का पीछा करते हुए चुड़ैल भी जलपरी की गुफा तक आ जाती है। चुड़ैल देखती है कि उस गुफा में एक जलपरी रहती है। उस जलपरी के पास एक जादुई मणि है। उस चमकती हुई मणि को देखकर चुड़ैल की आंखें चमक उठती हैं। उसके मन में लालच आ जाता है। चुड़ैल कहती है, यह सुनहरी गाय तो कुछ भी नहीं, असली खजाना तो यहाँ रखा है। इस जलपरी की यह मणि तो बहुत चमक रही है। इस मणि के अंदर तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हैं। मुझे यह मणि कैसे भी करके इस जलपरी से हासिल करनी होगी। ऐसा कहकर वह चुड़ैल एक मछली का रूप ले लेती है और जलपरी के पास आती है और कहती है, जलपरी बहन, मैं बहुत गरीब और दुखियारी हूँ। इस संसार में मेरा कोई नहीं, मुझे एक घर की तलाश है। क्या मुझे यहाँ कुछ समय के लिए शरण मिल सकती है? उस मछली की बात सुनकर जलपरी उसकी बातों में आ जाती है। लेकिन पास में ही वह सुनहरी गाय वहीं पर खड़ी थी। क्योंकि वह एक जादुई गाय थी तो वह अपनी शक्ति से सब देख लेती है कि वह कोई मछली नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। रुको जलपरी बहन, यह एक छलावा है। यह कोई मछली नहीं बल्कि एक लालची चुड़ैल है। यह मछली का रूप लेकर इस मणि को चुराने आई है। यह सुनकर जलपरी हैरान हो जाती है। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है, अरे मूर्ख गाय, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे किए किराए पर पानी फेर दिया। मैं इस मणि को चुराने वापस जरूर आऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से भाग जाती है। वहीं जलपरी बहुत परेशान हो जाती है और सुनहरी गाय से कहती है, सुनो गाय, जादुई मणि खतरे में है। यह चुड़ैल बहुत खतरनाक है। यह इस मणि को चुराने फिर से यहाँ आएगी। अगर यह मणि चुड़ैल के हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। तुम कुछ समय के लिए इस मणि को लेकर यहाँ से चली जाओ। मैं उस चुड़ैल से निपट लूंगी। तुम इस मणि की रक्षा करना। समय आने पर मैं तुम्हें वापस यहाँ बुला लूंगी। जलपरी की बात सुनकर सुनहरी गाय अपना मुंह खोलती है और उस जादुई मणि को अपने पेट में ले लेती है। मणि को अपने पेट में लेकर सुनहरी गाय जलपरी लोक से चली जाती है। वहीं गुफा के बाहर चुड़ैल उस सुनहरी गाय को जाते हुए देख लेती है। चुड़ैल कहती है, अच्छा हुआ यह सुनहरी गाय यहाँ से चली गई। अब जलपरी अकेली है। अब मैं आसानी से वह मणि उससे छीन लूंगी। लेकिन वहीं जब चुड़ैल को पता लगता है कि जादुई मणि जलपरी के पास नहीं है तो यह देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। चुड़ैल जलपरी पर हमला करती है। चुड़ैल के हमले से जलपरी वहीं बेहोश हो जाती है। जलपरी, मुझे पता है तूने वह मणि उस सुनहरी गाय को देकर उसे कहीं भेज दिया है। लेकिन वह कहीं भी चली जाए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उधर वह सुनहरी गाय तालाब किनारे आ जाती है और वहां आकर वह घास चरने लगती है। वहीं एक लालची मछुआरा मछली पकड़ने के लिए तालाब पर आता है। तभी उस मछुआरे की नजर उस सुनहरी गाय पर पड़ती है। लालची मछुआरा कहता है, अरे वाह, यह तो कोई सोने की गाय लगती है। ऐसी अद्भुत गाय तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। यह सुनहरी गाय तो मुझे माला माल कर सकती है। इसे बेचकर मैं दुनिया में सबसे अमीर हो जाऊंगा।
ऐसा कहकर वह लालची मछुआरा सुनहरी गाय को अपने घर ले आता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह कहता है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पूरी गाय को बाजार में बेचने की जगह इसके छोटे छोटे टुकड़े करके बेचता हूँ, जिससे मुझे अधिक पैसा मिलेगा और मैं जल्दी ही बहुत अमीर हो जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह लालची मछुआरा सुनहरी गाय को बीच में से काट देता है। लेकिन मछुआरा यह देखकर हैरान हो जाता है कि उस सुनहरी गाय के पेट में एक जादुई मणि रखी है। तभी इतने में वहाँ चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल गाय के पेट में जादुई मणि देख लेती है। चुड़ैल कहती है, अरे वाह मछुआरे, तूने तो मेरा काम और आसान कर दिया, मुझे इस मणि की ही तलाश थी। चुड़ैल उस मणि को उठा लेती है और मणि को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी इतने में वहाँ जलपरी आ जाती है। जलपरी देखती है कि सुनहरी गाय को मछुआरे ने मार दिया है और चुड़ैल गाय के पेट में से मणि निकालकर भाग रही है। यह देखकर जलपरी को बहुत गुस्सा आता है। फिर क्या था, जलपरी अपनी शक्तियों से चुड़ैल पर हमला करती है और चुड़ैल को वहीं मार देती है। जलपरी अपनी शक्तियों से मछुआरे को भी वहीं मार देती है। सुनहरी गाय को देखकर जलपरी को बहुत दुख होता है। लेकिन अब जलपरी के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। नागराज की नागमणि हासिल करनी होगी। नागमणि के बगैर हम नागराज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नागमणि हासिल करने की मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। एक बार नागलोक में एक चुड़ैल नागराज और उसके बीवी बच्चों पर अचानक से हमला कर देती है। नागराज और चुड़ैल के बीच भयंकर लड़ाई होती है। नागराज अपने बीवी बच्चों की रक्षा करते हुए चुड़ैल को बंदी बना लेता है और चुड़ैल को अपनी शक्ति से एक चील में बदल देता है। यह देखकर चुड़ैल कहती है, नागराज यह तुमने मेरे साथ क्या किया, मुझे छोड़ दो नागराज, मुझे माफ कर दो, कृपया करके मुझे पहले जैसा बना दो। नागराज कहता है, चुड़ैल यह तेरे कर्मों की सजा है, अब तू आज से इस चील रूप में ऐसे ही भटकेगी, इससे पहले कि मैं तेरी जान ले लूं तू यहाँ से चली जा। नागराज उस चील चुड़ैल को मारकर वहाँ से भगा देता है। चील चुड़ैल रोती हुई वहाँ से भागकर शैतान लोक आ जाती है। वहाँ आकर वह शैतान से कहती है, शैतान महाराज मेरी मदद करो, यह देखो उस नागराज ने मेरे साथ क्या किया, मुझे उस नागराज से अपना बदला लेना है। शैतान कहता है, चुड़ैल मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, और उस नागराज ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। चुड़ैल कहती है, शैतान महाराज यह सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है, मैं नागलोक में उस नागराज से उसकी नागमणि चुराने गई थी, वह नागमणि बहुत ही चमत्कारी है, उसके अंदर अद्भुत शक्तियाँ हैं, मैंने सोचा यह नागमणि तो हमारे शैतान महाराज के पास होनी चाहिए, सिर्फ वही इसके असली हकदार हैं और तीनों लोगों के महाराज हैं। उस नागराज ने मुझे वहाँ बहुत मारा और अपनी शक्ति से मुझे एक चील बना दिया, और उसने यह भी कहा कि अगर शैतान ने उसकी नागमणि चुराने की कोशिश की तो वह उसके साथ भी ऐसा ही करेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल झूठी कहानी बताकर शैतान को नागराज के खिलाफ भड़का देती है। शैतान गुस्से से कहता है, क्या कहा, उस नागराज की इतनी हिम्मत, उसने मुझे मारने की धमकी दी, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे अपनी नागमणि की शक्तियों पर इतना घमंड है, मैं उसे उसकी नागमणि छीन लूंगा और उसकी बीवी बच्चे सबको खा जाऊंगा। हाँ शैतान महाराज तुम्हें उस नागराज के साथ ऐसा ही करना चाहिए, मुझे किसी तरह उस नागराज से अपना बदला लेना है और उसे जान से मारना है। शैतान कहता है, चुड़ैल नागराज को हराने के लिए हमें उसकी नागमणि की जरूरत होगी, सबसे पहले हमें कैसे भी करके नागराज की नागमणि हासिल करनी होगी, नागमणि के बगैर हम नागराज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, नागमणि हासिल करने की मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। तब ऐसा कहकर शैतान और चुड़ैल दोनों नागलोक आ जाते हैं। वहाँ आकर शैतान एक नागिन का रूप ले लेता है और चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल मैं नागराज और नागिन को कैसे भी करके नागमणि से दूर ले जाऊंगा, तुम मौका मिलते ही नागमणि को हासिल कर लेना। ऐसा कहकर वह शैतान जिसने नागिन का रूप लिया था वह नागराज और नागिन के पास आकर रोने लगता है और कहता है, नागराज नागिन मेरी मदद करो, एक शैतान ने मेरे बच्चे को कैद कर लिया है, वह शैतान मेरे बच्चे को खा जाएगा, नागराज कृपया करके मेरे बच्चे को उस शैतान से बचा लो। नागराज कहता है, नागिन तुम्हारा बच्चा कहाँ है, हमें उसके पास ले चलो। शैतान नागराज और नागिन को नागमणि से दूर ले जाता है। नागराज और नागिन के जाते ही चील चुड़ैल नागमणि को चुरा लेती है।
वहीं दूसरी तरफ वह शैतान अपने असली रूप में आ जाता है। शैतान को देखकर नागराज और नागिन दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी नागराज को याद आता है कि वह अपनी नागमणि गुफा में ही भूल गया है। लेकिन इससे पहले नागराज कुछ करता, शैतान नागराज और नागिन को कैद कर लेता है। अब तू मेरी कैद में है, अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जल तेरी नागमणि मेरे कब्जे में होगी, मैं तुझे और तेरे बीवी बच्चे सबको मार दूंगा और इस नागलोक पर कब्जा करूंगा। नागराज और नागिन को कैद करके शैतान अपनी गुफा में वापस आ जाता है और नागमणि की शक्ति से चुड़ैल को वापस ठीक कर देता है। चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल बहुत खुश होती है और कहती है, शैतान महाराज तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अब हमें चलकर उस नागराज से अपना बदला लेना चाहिए वरना वह भाग जाएगा। नहीं चुड़ैल, वह नागराज कहीं भाग कर नहीं जा सकता, मैंने नागराज और नागिन दोनों को कैद कर लिया है। उधर नागराज के बच्चे जो चिलचुड़ैल के आते ही गुफा में ही छिप गए थे, वे अपने माता पिता के पास आते हैं। नागराज अपने बच्चों से कहता है, बच्चों तुम दोनों घबराओ मत, हम दोनों यहाँ से आजाद हो जाएंगे। मुझे एक बार मेरी नागमणि वापस मिल जाए, मैं यहाँ से आजाद होकर उस शैतान और चुड़ैल का अंत कर दूंगा। तभी नागराज का बेटा कहता है, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं उस शैतान से आपकी नागमणि वापस लेकर आऊंगा। वहीं जब शैतान और चुड़ैल दोनों सो रहे थे, तभी नागराज का बेटा मौका मिलते ही नागमणि उठाकर वहां से निकलता है और अपने माता पिता को आजाद करा लेता है। वहीं जब शैतान की आंख खुलती है, वह नागमणि को ना पाकर पागल हो जाता है। चुड़ैल ये क्या, वह नागमणि कहां गई, वह नागमणि तो यहीं रखी थी। तभी भी इतने में नागराज वहां आ जाता है और कहता है, शैतान नागमणि उसके असली मालिक के हाथ में है। बस फिर क्या था, नागराज नागमणि की शक्ति से शैतान और चुड़ैल दोनों को जलाकर वहीं मार देता है।